उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के अंतर्गत बुधवार को वेटरनरी कॉलेज के किसान भवन में अपील अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय राज्य सूचना आयुक्त मुख्य रूप से शामिल रहे। बुधवार को पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय पशु अनुसंधान केंद्र के किसान भवन में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीली अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत कानून में होने वाले प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई, ताकि लोगों को जन सूचना लेने में कोई बाधापन न हो। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राजीव कपूर, जिला अधिकारी महोदय सर्वज्ञ राम मिश्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिरुद्ध शर्मा की खास रिपोर्ट। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे जो जन सूचना अधिकारी हैं उनके जो नॉलेज के गैप्स हैं उनको दूर करेंगे और जो उनके कठिनाई आ रही है एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें जिस हद तक हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद करने के लिए। सबसे ज्यादा क्या कठिनाई आ रही है, सबसे ज्यादा जो कॉमन परेशानी देखने में आई, सबने जो एक कॉमन आपको सुनने में, जो कॉमन परेशानी है वो इसी प्रकार की है कि बहुत सारे जो हमारे प्रश्न होते हैं कई बार वो ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि हम सीधा सीधा उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कुछ एक्सेप्शन क्लॉजेज लगते हैं। अच्छा। तो उनको बताया गया है कि आपका जो दायित्व तो है, पहला दायित्व तो है सूचना दें, लेकिन अगर किसी कारण से जो हमारे अधिनियम के सेक्शन 8 है या नियमावली का नियम 4 है उसमें किसी प्राविधान के अंतर्गत सूचना न देना है तो किस प्रकार से आप उसको लीगली सही ढंग से इंटरप्रेट करें, ये उनको समझाया गया। सर, ऐसा कोई आंकड़ा है जब मथुरा जिले का कि हर महीने कितनी आरटीआई डाली जाती है और कितने के जवाब आते हैं? इस प्रकार के आंकड़े आयोग के पास नहीं होते, आयोग के पास तो वर्ष के आंकड़े आते हैं। चूंकि हम दैनिक जागरण से हमारा आरटीआई डालते रहते हैं जी, यूजुअली जवाब उतने मिलते ही नहीं है, क्या ऐसा कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के आंकड़े हमारे पास संकलित नहीं होते। जनपद स्तर पर शायद लोक प्राधिकरण स्तर पर ये आंकड़े संतुलित होते हों, जहां पर कितने उनके आरटीआई आए, कितने विस्तारित हुए, कितने पेंडिंग हुए। इस पर तो सर कुछ ना कुछ ऐसा करिए सर, ताकि एक जगह से इन्फॉर्मेशन हम ली जा सके, कुछ ऐसा आप करिए। इस प्रकार का काम जो है वो शासन स्तर पर ही हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नियम है, जो अधिनियम में व्यवस्था है कि साल में एक बार लोक प्राधिकारी अपने यहाँ पे जितने भी सूचनाएं के आवेदन पत्र आए उनके बारे में संख्या का संकलन करके देंगे साल में एक बार, लेकिन मासिक के तौर पर मासिक नहीं। तो यूजुअली अभी तक होता है या होगा? ये होता है ये यहाँ पे होना चाहिए, जो लोक प्राधिकरण जो ऑफिस का स्तर है वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, उसका सूचना स्टेट पर संकलित नहीं। अच्छा।